हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल औरंगजेब मैथ किंग पर। आज हम आप लोग को बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो चेंजिंग होता है, साइन का चेंजिंग कॉस में, कॉस का चेंजिंग साइन में, टैन का चेंजिंग कॉट में, ठीक है, इस तरह से जो चेंज होता है वो कैसे होता है, ठीक है, उसको हम आप लोग को प्रूव करके बताएंगे कि किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, अगर पता है आप लोग को तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो चलिए देखिए किस तरह से साइन का चेंजिंग कॉस में, कॉस का चेंजिंग साइन में, सारा चेंजिंग कैसे होता है हम आप लोग को बता दें। ठीक है, चलिए देखिए समझिएगा। यहाँ पे हम बताते हैं आपको, एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं बाबू, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, वो चेंजिंग हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए ये क्या है बाबू, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ की बात समझिएगा आप, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई लाइन ले लिए, ठीक है, लाइन ड्रॉ किए ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ पे हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप देखिएगा, मान लेते ये एंगल जो है थीटा बना रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, ये जो लाइन है ये क्या है, थीटा बना रहा है एंगल, समझिएगा बढ़िया से। तो समझिए यहाँ पे एक बात बताइए कि ये क्या है, 90 डिग्री है ना, ये राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा कि ये इस पर परपेंडिकुलर गया तो ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बताइए, आप लोग को तो पता होगा है ना कि ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये क्या होगा बाबू, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ की बात देखिए, क्योंकि देखिए हम बताते हैं कि ये क्या है, 90 है, ये थीटा है, तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, हम बताते हैं, ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसमें हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, सारा का जोड़ देंगे, ठीक है। मान लेते ये ए है बाबू, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो हम लोग एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 180, मतलब जो भी ट्रेंगल का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये थीटा है, ये 90 है, और एंगल सी हमको निकालना है, ठीक है, तो आप सारे को उधर ले जाइए, तो एंगल सी क्या आ जाएगा बाबू, एंगल सी जो हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो 90, और उधर जाएगा थीटा तो 90 माइनस थीटा, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि 90 माइनस थीटा होगा, एंगल सी 90 माइनस थीटा ही आएगा, समझ में आ गया। अब हमको चेंजिंग बताना है, समझिएगा इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें बाबू एंगल, यहाँ पे देखिएगा हमको लिखना है, ये आपको सभी को पता होगा कि इस थीटा के सामने बी सी परपेंडिकुलर, ये आधार, ये हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ के बाद आप समझिएगा, अगर हमको लेना है साइन, ठीक है, साइन ये एंगल लेना है, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ले लीजिए, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है, एंगल सी ले रहे हैं, तो एंगल सी का वैल्यू 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे देखिए तो बाबू क्या होता है, साइन का फार्मूला पी बटा एच होता है, ठीक है, तो पी क्या है, इसके सामने ये पी हो जाएगा, मतलब ए बी जो हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है, पी बटा एच, एच क्या है, ए सी है, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए कॉस थीटा एक बार देख लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कहाँ पे, यहाँ पे कॉस थीटा का बी बटा एच फार्मूला होता है, ये पी हो जाएगा, बी सी पी हो जाएगा, तो बी ये होगा, ए बी होगा बी, बी बटा एच, मतलब ए बी बटा एच क्या है बाबू, ए सी है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आरएचएस वाला वैल्यू सेम है तो एलएचएस वाला भी वैल्यू सेम होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। ये हम बहुत ही इजिली आपको समझा दिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। देखिए यहाँ से हम बता दिए कि साइन का चेंजिंग कॉस में ही होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई भी और ले सकते हैं, कोई भी, मान लेते हैं टेन का लेते हैं, ठीक है, हम टेन का देख लेते हैं एक बार, यहीं पे देख लेते हैं, कहीं पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, टेन मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, ये एंगल है तो क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो पी ये है ए बी, ठीक है, पी ए बी की तरह काम करेगा, और पी बटा बी, बी क्या है, बी सी काम करेगा, ठीक है, बी सी होगा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कॉट, कॉट थीटा एक बार ले लीजिए, कॉट थीटा क्या होता है, बी बटा पी होता है, ठीक है, तो थीटा ये है तो ये पी हो जाएगा, ये बी होगा, ठीक है, तो बी बटा पी मतलब ए बी बटा क्या, पी का वैल्यू क्या है बाबू, पी का वैल्यू तो बी सी है ना, देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है, कॉट थीटा बी बटा पी, तो ये तो पी होगा ना, तो ये बी होगा, तो बी बटा पी, ठीक है, बी सी पी होगा, तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लीजिए। तो देखिए तो बाबू ये दोनों सेम आ गया, आर एच एस सेम आ गया तो एल एच एस भी सेम होगा, तो टेन 90 माइनस
थीटा क्या होगा, 91 थीटा कॉट थीटा होगा। आई होप आप लोग को बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि टैन का चेंजिंग कॉट में हो रहा है, ठीक है, साइन का चेंजिंग कॉस में हो रहा है, ठीक है। अगर कॉस का भी लेते हैं, ठीक है, कॉस 91 थीटा देख लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 91 थीटा कॉस का बी बटा एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी का काम करेगा ये, बी का काम करेगा, ठीक है। तो बी बटा एच मतलब बी सी हो जाएगा बी, ठीक है, बी सी बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए साइन थीटा बताइए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये थीटा पी बटा एच होता है, पी का वैल्यू देखिए बी सी हो गया, एच का वैल्यू ए सी हो गया, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। देखिए तो ये दोनों सेम है कि नहीं, तो ये भी सेम हो जाएगा, नहीं तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अब आप लोग को तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, अब तो 6 को निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि साइन का चेंजिंग कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। आपको एकदम कन्फर्म हो गया होगा कि किस तरह से चेंजिंग होता है। एक बात और आप लोग को हम बताते हैं कि जैसे देखिए ये जो है बाबू वाई एक्सिस है, ठीक है, 90 जो होता है वाई एक्सिस होता है। तो आप लोग को अब याद भी रखना है कि ऐसे तो याद भी होगा, ठीक है, क्लास टेंथ, अगर टेंथ पास होंगे आप लोग, अगर 11-12 में होंगे तो इतना तो पता हो ही गया होगा, इतना पता होगा आप लोग को कि वाई एक्सिस पे जो होता है मतलब 90 पे जो होता है बाबू वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। डिग्री में साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, ये सारा चेंजिंग होता है, ठीक है। तो 90 के सामने देखें तो ये वाई है, यहाँ पे 270 पे भी क्या होता है बाबू, चेंज ही होता है, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस पे रहेगा वो चेंज होगा, और जो एक्स एक्सिस पे होता है उस पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें चेंजिंग आप लोग को भी पता होगा कि वाई एक्सिस पे ही चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता। आई होप आप लोग को एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अगर आगे इसी तरह से हम इसको भी कर देंगे, ठीक है, साइन का निकाल लिए, टेन का भी निकाल लिए, कॉस का भी निकाल लिए, उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा देखिएगा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, उसी तरह से सारा चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं, 6 फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 3 निकाल लिए, उसी तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एक बार कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो एक बार सेक 90 माइनस थीटा, इसी तरह से सारा चीज़ आप लोग निकाल लीजिए। आई होप आप लोग को बहुत ही बढ़िया से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को ये पता हो जाए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो जाए कि इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो हमेशा पाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो हमेशा मिले, कभी मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए।